जब तुम किसी विशिष्ट विषय पर ध्यान कर रहे हो, उदाहरण के लिए उदासी पर, तो बस उसमें पूरी तरह से खो जाओ, जैसे कि दुनिया में और कुछ मौजूद ही ना हो। बस पूरी तरह से उदास हो जाओ, इसे अपने अंदर उतरने दो, इसे सोख लो, बस एक स्पॉन्ज की तरह बन जाओ। यही ध्यान का सार है, बस एक स्पॉन्ज बन जाना। और जब ये भावना तुम में हो तो इसे अपनी पूरी क्षमता से, अपनी चरम सीमा तक सोख लो। उदासी पर ध्यान करते समय उदासी ही हो जाओ। ध्यान का सरल अर्थ है दृष्टा और दृश्य के बीच का भेद मिटा देना, दृष्टा को दृश्य बनने देना। उस पुराने द्वैत को छोड़ दो जो वस्तु और विषय में है, अपने ध्यान के विषय में खो जाओ। अलग खड़े होकर मत देखो, एक दर्शक मत बनो। रहस्य दर्शकों को प्रकट नहीं होते, रहस्य उन्हें प्रकट होते हैं जो एक छलांग लगाते हैं, जो गहराई में डुबकी लगाते हैं, जो खुद को पीछे नहीं हटाते। और अगर तुम पूरी तरह से उदास हो तो तुम एक खोज के कगार पर हो। उदासी पूरी तरह से मिट जाएगी एक निश्चित तीव्रता पर, एक निश्चित बिंदु पर। ये बस गायब हो जाती है, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें भाप बन जाती है। एक बार जब तापमान एक निश्चित तीव्रता तक पहुंच जाता है, ओस की बूंदें गायब हो जाती है। ठीक उसी तरह उदासी गायब हो जाएगी और अचानक कहीं से भी आनंद आ जाता है। कीमिया है किसी भी चीज में जब तुम पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हो, उसको ध्यान बना लेते हो, वही मुक्ति संभव हो जाती है। प्रणाम।